is an eclectic youth festival that provides a unique platform for showcasing their immense talents. I would like to give a brief introduction on the judges. At first, we have S.H. Hilol Pathak, a freelance artist, a postgraduate with 10 years of experience in his working field. Mr. Ankur Jain, a freelance artist, who has graduated in science from TU, completed his master's degree in arts from Himachal University, diploma in digital filmmaking and editing from Maya Academy of Advanced Cinematics, Delhi. Then we have Rishi Raj Sharma, a freelance theater artist, completed his graduation in commerce and a post-diploma in Indian theater and has 20 years of experience in that field. Now, before moving on to the competition, I would like to read the rules and regulations for the competition. Each student artist shall be given maximum time of 5 minutes. A warning bell will be there for 4 minutes and the last will be on 5 minutes. Participants may mimic sounds of machines and speeches of well-known persons, including film personalities. Only one entry per student allowed. Judgment will be based on imitator, skills, variety of voices and presentation. Now, I would kindly please confirm to the judges that may I start with the event. The judges. At first, I would like to call upon BBMK University, Dhanbad. And after this, minimum of 4 minutes and maximum of 5 minutes, not more than that or lesser than that. Now we have BMK University Dhanbad, and after this we'll have Central University of Jharkhand and Ellen Mittler University. तो यूथ फेस्ट शुरू होता है और एक कवि सम्मेलन भी शुरू होता है इसी के साथ मुंबई में. और जो कवि सम्मेलन होता है उसमें कुछ एक्टर कुछ नेताओं ने पार्टिसिपेट किया होता है. तो जो एक्टर लोग होते हैं वो आते हैं फ्लाइट से. अब जो नेता लोग होते हैं वो आता है एम्बेसडर कार से. अब आते हैं हम आते हैं ट्रेन से. छोड़ा जा रही
सम्मेलन शुरू होता है सबसे पहले आते हैं फलाना अख्तर साहब दिलों में पीता में लिखी चढ़ी हो तू जिंदा हो तू दिलों में पीता में लिखी चढ़ी हो तू जिंदा हो तू और पब्लिक में आयश क्या बोला है ऐसे बोलते हो तू मिठुंदा हो तू उनके बाद आते हैं केजरीवाल देखिए जी मफलर है मेरी टाइट और पतलून थोड़ी सी ढीली मफलर है मेरी टाइट पतलून थोड़ी सी ढीली खास खास के बना देंगे हम मुंबई को भी दिल्ली अब आता है नाना पाटेकर साहब अच्छा है ऑडियंस में लेडीज और गोदी में बच्चा है अच्छा है अच्छा है आगे मेरी कविता सुन रहे हैं उन कविता ने मेरी एक लीज अच्छा है अच्छा है अब आते हैं नवाज भाई अरे अच्छा कौन पेच माना पड़ेगा इतना टैलेंट हाईलाइट है बे कभी अफसर तो कभी कसाब कितना टैलेंट हाईलाइट है बे कभी कसाब तो कभी अफसर बाप का दादा का भाई का सब का बदनाम अब उनके बाद आते हैं राहुल गांधी जी देखिए देखिए भैया देखिए मोदी जी का है कमल और हाथ है हमारे लोगों मोदी जी का है कमल और हाथ है हमारे लोगों अंजल में हम बैठे कैसे बन क्या मेरा पोगो अब मोदी जी आते हैं मोदी जी आते हैं मोदी जी बोलते मित्रों भाई और बहनों काले रंग का आठ बजे कमराइए नहीं कोई बंद नहीं करते कल रात आठ बजे मैंने एक कविता लिखी और मैंने लिखा कैम पाकिस्तान तुम कश्मीर मांगोगे तुम लाहौर में छीन लोगे तुम कश्मीर मांगोगे तुम लाहौर में छीन लोगे और यार तुम राहुल गांधी मांगोगे तो केजरीवाल की ट्रेन अब आज चिल्ड्रंस डे है और इसके लिए सिंचन फैंस के लिए एक लाइन सिंचन सिंचन की तरफ से एक कविता इतने सारे गुजरत लोग आगे की तरफ दो पीछे की तरफ तीन इतने सारे गुजरत लोग आगे की तरफ दो पीछे की तरफ तीन और मेरे चाहने वाले के लिए एक्शन अब जाने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता हार नहीं मानूंगा हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा कार के कपार पर लिखता हूं मिटाता हूं मैं गीत नया गाता हूं मैं गीत नया गाता हूं एक अंतिम अंतिम प्रस्तुति मेरी सहनाई और सितार की आवाज मेरा नाम है ज्योतिर्मय साहू और मैं आई हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से
और इस वक्त इस स्टेज पे खड़े होके मैं आप सबको मेरे कल रात वाले सपने के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सबको लग रहा होगा कि इसके सपने में ऐसा क्या है जो हमारे स्टेज पे आके हमको बता रही है। जी बिल्कुल, मैंने देखा अनोखा सपना जिसमें चल रहा था एक बहुत बड़ा अवार्ड शो, जिसमें ना कि सिर्फ हमारे फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स थे बल्कि हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स भी थे, और जिसको होस्ट कर रही थी मेरी फेवरेट राधिका आप्टे। जिसमें पहले आए बेस्ट एक्टर इन एनिमेशन का कैटेगरी, और पहले आया नॉडी चली हवा चली शेर के आर पार, तुम चलो मैं चलो मैं ना मानू बार, चली हवा चली तुम चलो मैं चलो मैं ना मानू बार। हेलो पिकेस, कहाँ जा रहे हो? फिर आया हथौड़ी, डिंग 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 डिंग, मेरा नाम निंजा हथौड़ी है और मैं आज आप सबको एक बेहतरीन टेक्निक सिखाने वाला हूँ। डिंग डिंग सबका है सिंचन आपकी ग्रैंड कह दे रही है, ये आपके हाथ में क्यों है ये तो मेरी तरफ से अरे वो। फिर उसके बाद आया नोबिता, जिसमें पहले आए कंगना रनौत फ्रॉम तनुमेट्स मेरिटेंस। बस सब लोग अनशोर बात तो ये है, तू आगे बढ़ रही जैसे पत्थर में रहती जैसे कोई बात को नहीं। हमारा नाम है कुमार कुसुम सांगवानी, मैं जैसे एल पी पी बट